बिजली स्रोत बिल 200 भी आ उन्हां नूं रद्द करवाउण वास्ते असीं जिहड़ा इह अंदोलन चला रहे हाँ भी मोदी सरकार किसानां मजदूरां भारत के लोगों की गल सुन की बजाए सगों अंबानियां अडानियां ते कारपोरेट घराणियां की गल सुन रही आ। असी हरियाणे के किसानों को कहना चाहते हाँ भी पूरा पंजाब थोड़े नाल खड़ा। तीन खेती ऑर्डिनेंस अते बिजली स्रोत बिल 2020 संबंधी अज किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों अज अमृतसर केंद्रीय जेल के बाहर रोज प्रदर्शन करदिया गिरफ्तारियां देन पहुंचे। किसान जथेबंदियों वालों लगातार अमृतसर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर धरना लगाया गया सी जिसके चौथे दिन अज अमृतसर केंद्रीय जेल के बाहर केंद्र की मोदी सरकार खिलाफ किसानों को उजाड़न लई जो तीन खेती ऑर्डिनेंस लेके आने संबंधी प्रदर्शन किया गया अते जेल प्रशासन नूं गिरफ्तारियां देने की मांग की गई। इस मौके गलबात करदिया किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सूबा सकत्तर स्वर्ण सिंह पंधेर ने कहा कि 14 ते 15 सितंबर नूं देश व्यापी अंदोलन शुरू किया जाएगा। सूबा सरकार ने दोहरे मापदंडा के तहत किसानों का साथ नहीं दिता। अज किसान जथेबंदियों वालों पंजाब भर में जेल भरो अंदोलन के तहत जेलों के बाहर रोस प्रदर्शन किया गया जिसके चलते 20 किसान जथेबंदियों के आगुआ वालों गिरफ्तारियां पेश की जा रही ने। उन्होंने कहा कि जेकर भविख में सरकार वालों किसानों की मंगा पर ध्यान ना दिता गया तो किसान जथेबंदियों वालों संघर्ष होर भी तीखा किया जाएगा। मैं सरवण सिंह पंधेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सकत्तर बोलता जी। पूरे पंजाब असी ऐलान किया भी आप जे जो सरकार का रौं रवैया वा अज पंजाब दियां सारिया जेलों के अगे पेश होकर वलंटीयर गिरफ्तारियां देवे। सो अज भी थोड़ी देर बाद असी 51 मैंबरी जथा पेश करांगे। साहब सिंह कक्कड़ साडे कागू ने उन्होंने पोते पोतरी परिवार भी उन्हां दा जेल च जाऊगा। सो इस किस्म दियां भावना भी हैगियां। दूसरा जो सरकार का ही रवैया वेख रहे हैं भी जिहड़े खेती के तीन आर्डीनेंस आ बिजली स्रोत बिल 200 भी आ उन्होंने रद्द करवाउण वास्ते असी जिहड़ा इह अंदोलन चला रहे हैं। सो अजे तक जो सानू दिखिया वा भी मोदी सरकार किसानां मजदूरां भारत के लोगों की गल सुन की बजाए सगों अंबानियां अडानियां ते कारपोरेट घराणियां की गल सुन रही आ। लोकतंत्र नहीं हैगा भारत दे विच, भारतीय सरकार डिकटेट कर रही है पूरी तरह। तुसी वेखो अंदोलन वध रहा वा। कल हरियाणा के किसानों ने लाठीचार्ज होया जिहदी सख्त शब्दां असीं निंदा करदे हां पर हरियाणा के किसानों नूं बधाई होनी चाहीदी आ। उन्होंने वड्डी सड़क जाम करके खट्टर सरकार नूं गोडिया परने कीता ते गोडे परने करके उन्होंने रैली की। असी हरियाणे के किसानों नूं कहना चाहते हाँ भी पूरा पंजाब थोड़े नाल खड़ा। हरियाणे के आढ़तियों नूं कहना चाहते भी थोड़ा पंजाब असी थोड़े घोल नूं सजदा करदे हाँ और थोनू वादा कराने भी थोड़े मगरियां जिहड़ा 20 तरीक का उन्हां दा अंदोलन आ रहा वा उहदे विच भी समर्थन करांगे। जिहड़ा असी इहदों गाहां जिहड़े सांझे अंदोलन 1-14 नूं अंदोलन आ रहा वा 250 जथेबंदियों का देश व्यापी वो हमायत भी करांगे। ऐलान जिहड़ा वा असी अज कर देना वा 2-3 घंटिया बाद 3 बजे ऐलान हो जाना तो ऐलान बहुत तिखा करांगे सांझा। इहदों गाहां 15 तरीक नूं भी जथेबंदियों का वड्डा अंदोलन आ उहदे वास्ते भी तालमेल वा आपां भी करांगे तो वह भी करनगे एक सांझे संघर्ष। तुसीं वेखोगे 14 ते 15 नूं बहुत वड्डा अंदोलन पंजाब दे विच होगा, देश व्यापी यह अंदोलन आ। तो केंद्र दी सरकार नूं लोकां दीआं गल्लां ध्यान विच रखदिआं लोकां नाल टॉक करके साडे नाल गलबात करके साडी आवाज़ नूं सुणिआ जावे। इहदों गाहां घट्टो घट वी 200 तों वध जिहड़े सांसद आ वो किसानी खेतर तो सीधे सीधे उन्हों का पिछोकड़ किसानी वाला वा उन्हों चाहिए भी वह पार्लीमेंट के इन्ह खेती ऑर्डिनेंस का विरोध करे। असी पंजाब के पार्लीमेंट्स मैंबरों नूं कहना चाहते हाँ भी जे तुसी उत्थे ना कीता थोनू कल नूं पिंडा च नहीं जे बढ़ देना किसी ने नहीं बढ़ देना जिहड़ियां मर्जी सुरक्षा लै लिओ। सो पंजाब के हक च खलोयो, पंजाब की खेती वाल वेखो, देश के हक च खलोयो, देश की एक कीमत वलियो। सो साडा प्रोटेस्ट इस तरह जिहड़ा वा आने वाले समय में भी अज तुसी वेख रहे हो असी केंद्रीय जेल प्रतापपुर के जेल के अगे बह के अपना रोस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। बस मैं पहलों भी कहता भी अगला काम अज ही जे प्रेस इतने खलो जाए अज ही 3 बजे ऐलान अगला आऊगा भी अगला इदों भी तेज करांगे। चार दिन लगातार डीसी दे उत्ते बाद धरना दित्ता गया, पुलिस नाल झड़प हुई वेखिया गया, वेखो जिसों तक आ
दोहरे मापदंड आए कैप्टन सरकार दे। एक तां कैप्टन सरकार जिहड़े उन्हां दे पार्टी प्रधान सीगे उन्हां ने कहा सी वी पिंड पिंड जाके अंदोलन छेड़ांगे इन्हां ऑर्डीनेंसां दे खिलाफ, वह नहीं देख रहा कितें। दूसरा सोनिया जी राहुल जी इन्हां ऑर्डीनेंसां दे खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे, जां जिहड़ियां होर सूबियां दीआं कांग्रेसी सरकारां ने वह भी इत्थे कुछ नहीं बोल रही। सो जिहड़ा पुलिस का वतीरा जलालाबाद च साडे आगुआं दे खिलाफ परचे किए गए आ, ये तो कहा जो तुसीं आह वेख रहे हो। सो मैं कहिंदा भी कोई SHO कल्ला किसी SHO नूं जिम्मेवार नहीं सन सकते। जो 1861 की IPC धारा वा अंग्रेजा का एक कानून सीगा सी तां कहिंदे अज भी गुलामी आ, वह बदलिया नहीं गया, वो गुलामों वास्ते लिया गया सी सानूं गुलाम बनाउणी, अजे भी IPC उही आ। तो जिहड़ी पुलिस की मानसिकता वा वह आम शहरी नाल आम बंदे ना गुलाम वांग ट्रीट करती आ। कल्ला मेरे नाल नहीं होया, तुसीं वेख लो देश के 70% लोगों का रोज़ आ कुछ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ IPC ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੁਰ ਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਮੋਗਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ 20 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫੁੱਟਣਾ, ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖੜਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਗਾਵਤ ਹੋਊ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜੂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਐਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ TV ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਬਲੂ ਮਹਾਜਨ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੇਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ TV ਨੂੰ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ।